Hey, what's up guys? My name is Sukraj. आज मैं फिर आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो जैसे गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को लेके आ चुका हूँ फैक्ट्री। तो जैसे गाइस आप लोगों ने रियल ऑडियो के जितने भी एम्पलीफायर से देखे लेकिन उनको बनते हुए नहीं देखा आप लोगों ने, तो आज आप लोगों को लेके आ चुके हैं फैक्ट्री में। फैक्ट्री में आप लोगों को दिखाएंगे कि रियल ऑडियो के एम्पलीफायर कैसे तैयार होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, आप लोगों को ए टू जेड पता चलने वाला आज की वीडियो में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अगर हमारे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, इससे क्या हमें फॉलो कर अगर नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लेना ताकि आपको डे से डे नए नए अपडेट मिलते रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसे गाइस मैं आप लोगों को जो सबसे पहले दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले ये दिखाऊंगा कि जो हमारे जो चेसिस होते हैं, जो हमारे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में जैसे कि हमारी चेसिस जो हमारे बॉडी है, ये वाला बॉडी रहने वाला है, ठीक है। और इनके जितने भी बॉडीज में जो हमारे फिटिंग होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, उनके जो हमारे आईसी वगैरह हो गए, बोर्ड्स वगैरह हो गए, वो सारे कैसे कैसे लगते हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो। जैसे कि लाइन वाइज काम चलता रहता है कि पहले उसके बाद सेकंड स्टेप, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप, ऐसे ऐसे करके मतलब हमारे एम्पलीफायर्स बनते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करके दिखाने वाला हूँ। तो चलो पहले फर्स्ट स्टेप दिखाते हैं, फिर उसके बाद सेकंड दिखाएंगे, ऐसे करते करते आप लोगों को पता चलता रहेगा कैसे कैसे हमारे रियल ऑडियो के एम्पलीफायर्स तैयार होते हैं। तो चलो दिखाते हैं। पहले हमारे संतोष सर हमें गाइड करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले हमारे जो एम्पलीफायर का जो पहला प्रॉब रहता है वो क्या रहता है? सबसे पहले हमारी पीसीबी माउंटिंग होती है। हाँ हाँ, जैसे कि देख सकते हो ये हमारा पहला, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे मतलब बोर्ड्स तैयार किए जाते हैं पहले। हाँ जी, है ना जी। पहले हमारे बोर्ड्स तैयार किए जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे कहाँ पे जाता है फिर अगला जी, आगे आगे फिर हमारी चेसी फिटिंग होती है। चेसी फिटिंग होती है जी। वाला भी काउंटर दिखाइए, आइए आप देख सकते हैं ये चेसी फिटिंग हो रही है। चेसी फिटिंग हो रही है यहाँ पे जी। अच्छा, चेसी मतलब यहाँ पे जो हमारे खाली जो बॉक्सेस रहते हैं इसके अंदर पहले हमारे ये जितने भी हमारे चेसिस रहते हैं, जो हमारे आईसी वगैरह बोर्ड वगैरह रहते हैं, यहाँ पे मतलब फिटिंग होती है, यहाँ फिट कर दिया जाता है, यहाँ पे फिट कर दिया जाता है। फिर अगला हमारा प्रोसेस कहाँ जाता है? फिर हमारा आता है इधर तो वायरिंग पे। वायरिंग पे जी, यहाँ पे वायरिंग किया जाता है पूरा, यहाँ वायरिंग होती है। हाँ हाँ, पूरे एम्पलीफायर वायर किया जाता है। हाँ हाँ, इसके बाद एम्पलीफायर्स के जो हमारे ट्रांसफॉर्मर रहते हैं वो कैसे तैयार होते हैं? जी बिल्कुल, वो भी यही तैयार होते हैं। अच्छा, यहीं पे तैयार होते हैं, दिखाइए। अच्छा, ये हमारे ट्रांसफॉर्मर तैयार हो रही है जी। जैसे कि देख सकते हो गाइस कुछ हमारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर ऐसे तैयार हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. जैसे कि तैयार होने के बाद हमारा यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे रखा जाता है। फिर इसके बाद सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसके बाद हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसके बाद कहाँ पे जाता है हमारा ट्रांसफॉर्मर? हमारा पहले तैयार होके यहाँ रखा है। अच्छा, यहाँ पे रखा हुआ है, तैयार होके यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ जी। और फिर यहाँ से मतलब जाने के बाद फिर कहाँ जाता है? यहाँ से कम्प्लीट सेट होता है, उसमें वायरिंग हो जाती है जब। हाँ हाँ, तो उसमें लगने के लिए यहाँ से जाता है। अच्छा, पूरा एम्पलीफायर मतलब तैयार होने के बाद हमारे यहाँ पे लास्ट में टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग पे आता है। हाँ हाँ, ये फिर हमारे टेस्टिंग होने के बाद फिर हमारा कहाँ पे जाता है? फिर हमारा जाता है कैबिनेटिंग पे। अच्छा, यहाँ कैबिनेटिंग होती है। हाँ हाँ, कैबिनेटिंग होने के बाद फिर दोबारा टेस्टिंग पे आता है, फिर दोबारा टेस्टिंग पे जाता जी। है। अच्छा, इसके तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, तो सर जैसे कि इनके अंदर जो ये सब बोर्ड्स वगैरह है जी, तो ये मतलब जो आपने पहला वाला जो दिखाया वहीं पे ये सब तैयार होता है? केवल माउंट होते हैं वहाँ पे, केवल माउंट होते हैं वहाँ पे। इसके बाद में वो जो फिटिंग का काम है, फिटिंग होते हैं, फिटिंग होने के बाद वायरिंग होती है। हाँ हाँ, वायरिंग होने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाता है वहाँ। अच्छा, पूरा कंप्लीट हो जाता है वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद टेस्टिंग पे आता है, टेस्टिंग पे आता है। हाँ जी। और यहाँ से बन के जाते हैं रियल ऑडियो के एम्पलीफायर जी। तो और सर टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग होने के बाद जैसे कि यहाँ से हमारा टेस्टिंग हुआ, यहाँ पे हमारा कवरिंग हुआ, कवरिंग होने के बाद हमारे ये मतलब पैकिंग कैसे किया जाता है फिर? ये पैकिंग होने के लिए फिर दूसरा स्टेप है, वहाँ पे पैकिंग होगी। हाँ हाँ, साफ सफाई करके इसके बाद पन्नी चढ़ा के हाँ और पैक किया जाएगा। तो सर दिखा सकते हो वो भी? जी बिल्कुल, ये हमारा देख सकते हैं आप, ये पैकिंग हो रही है यहाँ पे। हाँ हाँ, और पैक किए हुए ये रखे हुए हैं। हाँ हाँ, सारा यहाँ पैक होने के बाद हाँ हाँ उसके बाद सप्लाई के लिए जाता है। फिर उसके देख सकते हो अभी पहला हमारा पहले एम्पलीफायर को पहले साफ वाफ किया जा रहा है, क्लीनिंग बिल्कुल ठीक है जैसे कि आप देख सकते हो। फिर क्लीनिंग करके ही हमारे एम्पलीफायर को डिस्पैच किया जाता है जी, मतलब पैकिंग करके जैसे कि आप देख सकते हो पूरी अच्छी तरीके से अभी सफाई किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पन्नी चढ़ाया जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे पन्नी चढ़ गई। अब पन्नी चढ़ने के बाद हमारे फिर बॉक्स में मतलब बॉक्स में पैक होगा, ठीक है। तो जैसे गाइस हमारे यहाँ पे एम्पलीफायर मतलब क्लीनिंग
करने के बाद, हमारे पन्नी चढ़ने के बाद यहाँ पे हमारा बॉक्स बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा अभी बॉक्स तैयार हो रहा है, ठीक है। और अभी हमारा बॉक्स तैयार होने के बाद फिर हमारा जो एम्पलीफायर है इसके अंदर रखा जाएगा, मतलब ये हमारे जितनी थर्माकोल है इसके अंदर रखा जाएगा, फिर उसके बाद हमारा फाइनल कट होगा। जैसे कि आप देख सकते हो पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं, पैकिंग कैसे कर रहे हैं, देखो। तो जैसे कि देख सकते हो पैकिंग हमारा कुछ ऐसे किया जा रहा है। जैसे कि आप देखिए हमारा थर्माकोल लगेगा यहाँ पे, ये देखिए गाइस ये लग गया हमारा थर्माकोल, जैसे कि देख सकते हो। और फिर हमारा एम्पलीफायर रखा जाएगा इसके अंदर, जैसे कि देख सकते हो ये हमारा एम्पलीफायर रख दिया रियल ऑडियो का। अब फिर यहाँ पे हमारा फाइनल कट होता है ना सर? हाँ, यही पे हमारा फाइनल कट होता है, फिर उसके बाद हमारा पैकिंग होने के बाद फिर हमारा सप्लाई के लिए चला जाता है ना जी। तो जैसे गाइस देख सकते हो हमारे एम्पलीफायर की क्वांटिटी काफी ज्यादा रहने वाली, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे कुछ फिटिंग करके ऐसे रखा जा रहा है जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगना बाकी है, अभी ट्रांसफार्मर नहीं लगा इसके अंदर। और उसके बाद लगने के बाद मतलब यहाँ पे काफी सारे प्रोसेस जैसे कि मैंने आप लोगों को सारा दिखाया अभी, और अभी आपको मैं थोड़े हैवी एम्पलीफायर्स दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारे कुछ एम्पलीफायर्स रखे पड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे रियल ऑडियो के सारे एम्पलीफायर्स है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये हमारा जो फाइनल कट है यहाँ पे है, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट लग गया है, हमारे बोर्ड्स वगैरह लग गए हैं जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे यहाँ पे सारे के सारे मतलब फिटिंग की जितनी भी सामान हैं सारे के सारे लग चुके हैं। और यहाँ पे जैसे कि और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए हमारे एम्पलीफायर आने वाला है CA30, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा एम्पलीफायर है। और ये भी हमारा फाइनल कट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो, सिर्फ टेस्टिंग होने के बाद हमारा यहाँ पे जैसे टेस्टिंग होती है पैकिंग वैकिंग होने के बाद हमारे यहाँ पे माल डिस्पैच कर दिया जाता है जैसे मार्केट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे एम्पलीफायर थे और यहाँ पे टेस्टिंग किया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, जैसे ये देखिए यहाँ पे अभी टेस्टिंग किया जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो चेक किया जा रहा है कि ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो। सर यहाँ पे क्या चेक किया जा रहा है यहाँ पे? सर यहाँ टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट किया जा रहा है जी। तो सर यहाँ पे टेस्टिंग के मतलब क्या 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 प्रोसेसर रहता है जो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे मतलब वर्क हो रहा है एम्पलीफायर? हमारे पैरामीटर्स लगे हुए हैं, हाँ हाँ, इससे हमें पता चल जाता है इसमें क्या कमी है। अच्छा अच्छा, कितनी ताकत है एम्पलीफायर के अंदर, सारा कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे कि देख सकते हो सर ने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कंप्लीट होने के मतलब इन मशीन्स के द्वारा देखा जाता है कि हमारा एम्पलीफायर कितना हैवी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे टेस्टिंग होने के बाद फिर पैकिंग किया जाता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे चेक किया जा रहा है सारा की सारा, ये देखिए। I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. तो जैसे गाइस यहां पे अभी साउंड टेस्टिंग, आज की वीडियो आप लोग कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को सारे के सारे एम्पलीफायर्स दिखाए, रियल ऑडियो के जितने भी एम्पलीफायर्स हैं कैसे कैसे हमारे तैयार होते हैं मैंने आप लोगों को दिखाया, टेस्टिंग भी दिखाया, और प्लस हमारे जितने भी मटेरियल्स जो हमारे एम्पलीफायर्स में जो डलते हैं वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को दिखाया। आज की वीडियो आप लोग कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। गाइस आज फैक्ट्री आए, फैक्ट्री से गाइस आप लोगों को ऐसे ऐसे ही धमाकेदार के प्रोडक्ट्स दिखाते रहेंगे और मतलब तहलका मचा देंगे हमारे YouTube चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।